दोस्तों, आखिर बिग बॉस 17 के घर की कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे को आखिर अचानक बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में क्यों बुलाया? और कन्फेशन रूम में जैसे ही अंकिता लोखंडे पहुंची तो बिग बॉस ने अंकिता से आखिर ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया, वो भी उसकी जैन को लेकर, जिसके बाद अंकिता का सर पूरी तरह से घूम गया और वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सवाल कौन सा था, आखिर कन्फेशन रूम में क्यों बुलाया है अंकिता लोखंडे को, वो भी बिग बॉस ने? चलिए पूरी पूरी जानकारी दे देते हैं आज हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर की जो कंटेस्टेंट है अंकिता लोखंडे, वो इस घर में आखिरी कैप्टन थी। जी हाँ, अभी अभी अंकिता लोखंडे घर की कैप्टन बनी थी, लेकिन यहाँ पर इसीलिए बिग बॉस ने अंकिता को कन्फेशन रूम में बुलाया और ये कहा कि अंकिता, मैं तुम्हें अभी एक स्पेशल पावर देता हूँ और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में करण जौहर ने आपको, अभिषेक कुमार को, मनारा चोपड़ा को और मुनव्वर फारूकी को आर्काइव रूम में बुलाया था और वहाँ पर आप चारों की तारीफ की थी, लेकिन यहाँ पर ना तो ईशा मालिया आई थी और ना ही आपके पति विक्की जैन आए थे। तो मैं अब आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों कंटेस्टेंट में से आपको मैं स्पेशल पावर देता हूँ और आप इन दोनों में से किसी एक को चुनो कि कौन सी गेम अच्छी खेल रहा है और कौन बकवास कर रहा है और कौन घटिया गेम खेल रहा है, कौन मास्टर माइंड बन रहा है। आपको बता दें कि ये सब सुनकर यहाँ पर अंकिता लोखंडे ने यह कहा कि बिग बॉस, मैं अपने पति का साथ देना चाहूँगी और मेरे पति यहाँ पर गेम अच्छी तरह से खेल रहे हैं, भले ही वो अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों, लेकिन ईशा मालवीय जैसी घटिया लड़की, घटिया कंटेस्टेंट कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि ये सब कहकर अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस से ये कहा कि बिग बॉस, मैं तो ईशा मालवीय को घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ अगर आप मुझे स्पेशल पावर दें। तो यहाँ पर आपको बता दें, अंकिता लोखंडे ने सीधे सीधे अपने पति का साथ दिया और ईशा मालवीय का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। फिलहाल इसका उम्मीद इतना ही। आपके कहना चाहेंगे इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।